सो प्योरली आयरन अगर आप लेंगे, प्योर लोहा अगर आप लेंगे, तो उसके इस्तेमाल, उससे बने हुए सामान आप इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसलिए कंपनीज में क्या होता है, आयरन को जो है निकल के साथ और क्रोमियम के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, और आयरन के साथ कार्बन ऐड करके उसे रोस्ट होने से, दंग लगने से, करोज होने से महफूज रखने के लिए उसे उसके अंदर कार्बन ऐड करके एक कंपाउंड बनाया जाता है। उसी कंपाउंड के जो मेटल्स होते हैं उस मेटल से हमें, उस मेटल से डेली यूजेबल सामान बनाए जाते हैं। इसी तरह आयरन ही नहीं, बाकी दूसरे भी मेटल्स अगर उनके प्योर फॉर्म में ऐड करें, प्योर फॉर्म में यूज करेंगे तो वो यूज करना उसके लिए हमारे लिए मुश्किल होगा, यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। इसी तरह जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड कंप्लीटली प्योर फॉर्म में अगर आप लेंगे तो उसके ज्वेलरीज नहीं बन सकते, उसमें एलोविंग किया जाता है, उसमें दूसरे मेटल्स को ऐड करके उसे डिजाइन और मॉल्ट किया जाता है। अब हम एलोविंग जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एलॉय है क्या, एलॉय मींस यहाँ पे है, एंड एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। होमोजीनियस का क्या मतलब, दैट मींस अगर दो मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों मेटल्स की क्वांटिटी इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, एलॉय जो है दो अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर होता है या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब जिस मेटल में अगर कोई और मेटल ऐड करना हो तो जो फर्स्ट बेसिक मेटल होता है उसे पहले गर्म करके, हीट करके मेल्ट किया जाता है, राइट। उसी अच्छी तरह मेल्ट करके एक्वियस फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में लाने के बाद उसके अंदर एलॉयड मेटल, जो मेटल ऐड करना हो उस मेटल को ऐड करके डेफिनेट प्रोपोर्शन में, यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ऐड करके उसे कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी देन एलॉय इज नोन एज अमालगम, ठीक है। अगर मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी के अंदर कोई एलॉय ऐड, कोई मेटल ऐड करना है, एलोविंग प्रोसेस से गुजारना है, तो उसे, तो उसमें अमालगम ऐड किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। जैसे कि ब्रास एलॉय है, कॉपर का एलॉय, यानी कॉपर में अगर मिक्स करना हो तो ब्रास मिक्स करते हैं, एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जिंक और कॉपर में, जो कॉपर में जिंक भी ऐड किया जाता है और टिन में जिंक भी ऐड किया जाता है। इसी तरह जिंक और ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन के एलॉय है। देख ये क्या है, एक्चुअली दिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें होता, इसके वजह से ये जो कॉपर जिंक है और जिंक कार्बोनेट है, उसके बाद टिन कार्बोनेट है, ये चीजों से हम आजकल क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं। Whereas कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कॉपर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के लिए, और टिन और लेड जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वेल्डिंग मशीन में दो वायर्स को वेल्ड करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप्स में दो वायर्स को ज्वाइंट करने के लिए जो एलॉय यूज कर, जो सॉल्डरिंग मेटल यूज होता है वो क्या है, लेड और टिन है। लेड और टिन ये क्या है, ये सॉल्डरिंग मेटल है जो दो कॉपर वायर्स को जोड़ने के लिए, दो कॉपर वायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, दो कॉपर वायर्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने के लिए सॉल्डरिंग के वक्त इस्तेमाल होता है। तो ये सारे डिटेल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आपके लिए मौजूद है। ये, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिपीट एंड रिपीटेडली लिसन द वीडियोज, फॉलो द वीडियोज एंड concentratively listen the explanation so that you come to know about the reactions, oxidation, reduction, mechanisms of corrosion and reaction of metals and non-metals, reaction of metals with metals and non-metals with non-metals, reaction of water, reaction of metals with water, reaction of non-metals with water, reaction of metals with oxygen and reaction of non-metals with oxygen। ये सारे प्रोसेस किस तरह होते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या कैल्सिनेशन होते हैं, क्या क्या रिडक्शन होते हैं, सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको मिलेंगे।
आई रिपीट वन सेकेंड, आई रिक्वेस्ट वन सेकेंड, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप व्यू कीजिए, बार बार देखकर आप इस चैप्टर में एक्सपर्टाइज होइए।